मदर्स डे पर अलवर न्यूज से बातचीत में महिला अभिलाषा मेठी ने कहा कि माँ परिवार का वो अंश है जिसके बगैर सब कुछ अधूरा है। माँ संपूर्ण परिवार का भरण पोषण करती है। हर बच्चे के लिए पहला एहसास माँ है। उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया तो इस जहान में सबसे काबिल इंसान बनने का गुर भी दिया। उसके हर लफ्ज में बस दुआएं ही होती हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में माँ की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जैसा कि इस समय कोरोना काल चल रहा है और इस महामारी में हम सभी की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इस कठिन समय में स्पेशली माओं की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर की, अपने परिवार की, बच्चों की और वो महिलाएं जो काम करती हैं उन्हें सभी जिम्मेदारियाँ अच्छे से वहन करनी पड़ रही हैं। और मैं मानती हूँ कि इस कठिन समय में भी सभी माएँ अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णता से निर्वहन कर रही हैं। मैं आप सभी महिलाओं को सबसे पहले मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और आप सभी महिलाओं से ये अपील करना चाहती हूं कि आप सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को अधिक से अधिक समय दें, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से दूर रखें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें, कोरोना प्रोटोकॉल को अपनाएँ आप सभी लोग। और इसके साथ ही मैं ये उम्मीद करती हूँ कि क्योंकि आज मदर्स डे है तो आप सभी लोग अपने परिवार के साथ पूरा समय व्यतीत करें, अपने बच्चों को खुश रखें, उनकी अच्छे से देखभाल रखें। सभी माएँ जो कि घर में अपने बड़े बुजुर्गों की भी सेवाएं करती हैं, घर का भी सभी काम करती हैं और साथ में शायद कुछ महिलाएं वर्क एट होम भी कर रही होंगी, तो उन सभी से भी मेरी अपील है कि ये सभी काम करने के साथ साथ वो अपना स्वयं का भी ध्यान रखें, क्योंकि माँ ही सब कुछ करेगी। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो ही वो अपने संपूर्ण परिवार को स्वस्थ रख पाएगी।